हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद जसबीर गिल जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 एग्रीकल्चर बिल्स हैं उसके ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ी है, आपको क्या कहना है जो उन्होंने कहा है? देखिए, अगर चुप्पी हुई तोड़नी थी तो नरेंद्र मोदी जी को कल संसद में आना चाहिए था। इतने इम्पोर्टेंट खेती के बिल हैं और नरेंद्र मोदी जी एक मिनट के लिए भी किसानों के लिए टाइम नहीं निकाल सके, वहाँ नहीं आए। और नरेंद्र मोदी जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये किसान का संघर्ष नहीं है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये किसान के नहीं कांग्रेस के हैं। मैं मोदी जी को एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है और किसान के लिए कांग्रेस को धरना प्रदर्शन तो दूर की बात है, किसी हद तक भी जाना पड़ा हम किसान के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाएंगे। मैं बेनती करता हूँ सभी दलों को कि ये ऐसा समय, कोई दल, कोई पार्टी, कोई समूह अगर आज किसान के साथ नहीं खड़ा होता तो समय के उनको न्याय देगा। और मेरी एक और अपील है सभी दलों के से कि कृपा करें किसान की जमीन बचाएं, अपनी जमीन बचाएं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है कि हरसिमरत कौर बादल हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया यूनियन मिनिस्टर की पोस्ट से, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनकी मजबूरी थी, उनका पंजाब में पैर रखना, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, उनका कोई भी नेता घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उन्होंने शोर मचाया और बड़े मन के साथ इन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने से पहले हरसिमरत जी क्या बोलते हैं कि मैं और मेरे पति जी, हम जेपी नड्डा जी के पास गए थे जो बीजेपी के प्रधान हैं, उनके पास गए थे और उनको बोल के आए, रिक्वेस्ट करके आए कि हमारी मजबूरी है, हमें इसकी विरोध करना पड़ेगा। अगर आप किसान के साथ हैं, इस्तीफा दिया है तो एनडीए से भी इस्तीफा दो ना, आके किसान के साथ खड़े हो आप, जहां प्रोटेस्ट हो रहे वहां चलो, हम आपको नंगे पांव आके लेके जाते हैं, आप चलो हमारे साथ प्रोटेस्ट में चलें, वो अच्छी, वो उससे पता चलेगा आप सुहृद हो के नहीं। तो ये थे गिल साहब हमसे बात करते हैं कैंपस नुमा सिंह के साथ, मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,